एक इंजीनियर जो लंबे समय से मुख्यमंत्री बना हुआ है और दूसरे तरफ इंजीनियरों के घर में जो छापे पड़ रहे हैं, आज अभियंता दिवस के अवसर पर जिस तरह से अभ्यर्थियों पर, इंजीनियर के अभ्यर्थियों पर लाठियां चार्ज हुई, मैं घोर भर्त्सना भी करता हूं, निंदा भी करता हूं। और बिहार का जो अभियंता का जो संरचना है वो बिल्कुल नीतीश कुमार जी ने बिगाड़ दिया है। वो अभी आज के दिन विश्वेश्वरैया जी के दिवस के दिन आज उन पे लाठियां बरसाई है सरकार ने, यह मैं समझता हूं कि विश्वेश्वरैया जी की आत्मा को गहरा आघात पहुंचा होगा। जहां सीओ को दिन दहाड़े बिस्कुमान के सामने पिस्टल भिड़ा कर करके छीना जाता है, कोई राज्य है क्या? ये राज्य को नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार और अपराध के दलदल में ढकेल दिया है। आज इंजीनियर डे है और जूनियर इंजीनियर भारी बारिश में सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस के द्वारा जबरन उन्हें हटाया गया है। बात करेंगे, राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह हमारे साथ हैं। शक्ति जी, आज इंजीनियर डे है और इंजीनियरों को पुलिस के द्वारा जबरन भगा दिया गया, वो अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। देखिये, आज अभियंता दिवस है, सबसे पहले विश्वेश्वरैया जी को मैं नमन करता हूँ। इस राज्य के अंदर में अभियंताओं की हाल चिंताजनक है। एक इंजीनियर जो लंबे समय से मुख्यमंत्री बना हुआ है और दूसरे तरफ इंजीनियरों के घर में जो छापे पड़ रहे हैं और जिस तरह से संगठित भ्रष्टाचार के जो पैसे हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं। एक पक्ष देखिए कि रोड पर, सड़कों पर जो अभ्यर्थी हैं, अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अपने रिजल्ट के लिए चिंतित है। लंबे समय से परीक्षा होने के बावजूद भी परीक्षाएं का प्रतिफल प्रकाशित नहीं किए जा रहे हैं। कार्य विभागों में 2200 अभियंता हैं, बेतहाशा खाली जो खाली पद है, उन पदों पर आसीन नहीं रहने के कारण कार्य भी सफल कर रहे हैं। एक एक अभियंता कई पद को होल्ड कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में आज अभियंता दिवस के अवसर पर जिस तरह से अभ्यर्थियों पर, इंजीनियर के अभ्यर्थियों पर लाठियां चार्ज हुई, मैं घोर भर्त्सना भी करता हूं, निंदा भी करता हूं। और बिहार का जो अभियंता का जो संरचना है वो बिल्कुल नीतीश कुमार जी ने बिगाड़ दिया है। शक्ति जी, सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार, आपने कहा कि नीतीश कुमार खुद भी मुख्यमंत्री हैं, कई इंजीनियर के घर में छापे भी पड़ रहे हैं और ये जो इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर, लगभग 2 साल हो चुके हैं और इनका कहना है कि जो बहाली बाद में आई उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और हमारा तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया। और जब हम अपने मांगों को लेकर बीटीएससी कार्यालय जाते हैं तो पुलिस उन्हें जबरन हटाती है। देखिए, इस कार्यालय में जाने के बाद जिस तरह से पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करती है उन अभ्यर्थियों की मांग पर जिनके परीक्षा फल लंबित हैं, बाद में आपने परीक्षा लिया प्रकाशन कर दिया, पहले परीक्षा लिया उसमें आपकी झलक लग रहा है कि आपके लोग नहीं हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी कोई भी संस्था में देख लेते कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें समाहित हैं कि नहीं है, तभी प्रकाशन होता है। तो जिन परीक्षा फलों में आप देखेंगे कि मैक्सिमम एक वर्ग के लोगों का बहुलता उसमें साफ साफ दिखती है और जो आम लोग हैं, अब ये कहाँ का इंसाफ है बता दे कोई हमें, कि 2 साल से परीक्षा लेकर के आप चुपचाप बैठे हैं, बाद में परीक्षा लिया प्रकाशन हो गया, प्रतिफल रिजल्ट प्रकाशित हो गया। वही मांग तो इतना सा मांग है, वह अभी आज के दिन विश्वेश्वरैया जी के दिवस के दिन आज उन पे लाठियां बरसाई है सरकार ने, तो यह मैं समझता हूं कि विश्वेश्वरैया जी की आत्मा को गहरा आघात पहुंचा होगा कि हमने हमारे कैटेगरी में, हमारे अभियंता के ग्रुप में कैसा व्यक्ति जो 25 वर्षों से, 20 वर्षों से, 15 वर्षों से देश और राज्य की राजनीति में प्रमुख बनकर के बैठा हुआ है और अभियंताओं पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है। हमारी मांग है
किन अभ्यर्थियों के जो रुके हुए हैं परीक्षा के जो फल, उसको तत्काल अगर नैतिकता है नीतीश जी में, वो तो कुंडली मार के बैठे हुए हैं। एक अभियंता लंबे समय से मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार संगठित भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं, और जितना जो पकड़ा रहा है लोग, उसका वर्ण पता करिए, उसका रंग पता करिए, उसका हुलिया पता करिए, वो लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो लंबे समय से हाशिए पे हैं, उपेक्षित हैं, कमजोर हैं। उन वर्ग के लोगों को सरकार पकड़ रही है, यहाँ रुपया मशीन से गिन रहा है मंत्री, हर के घर में मशीन आ गया है, अब मशीन से बोली लगवाता अभियंताओं का 75 दोगे कि 60 दोगे, पैसे लेकर के अभियंता को पदस्थापन होता है, पैसे लेकर के डीएसपी का पदस्थापन, आईएएस का पदस्थापन होता है, क्या अपेक्षा करते हैं भाई? भ्रष्टाचार रुकेगी? बिन गांधी जी के कोई काम नहीं होते इस राज्य के अंदर में, किसको पता नहीं है? बेरोजगारी का केंद्र है बिहार, अराजकता की स्थिति है, जहां सीओ को दिन दहाड़े बिस्कुमान के सामने पिस्टल भिड़ा कर करके छीना जाता है, कि कोई राज्य है क्या? ये राज्य को नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार और अपराध के दलदल में ढकेल दिया है। एक सवाल यह भी है शक्ति जी कि एक तरफ सामने आपके पार्टी कार्यालय के सामने ठीक जेडीयू कार्यालय है, मुख्यमंत्री खुद भी इंजीनियर रह चुके हैं, वहां पे जब जाते हैं मांगों को लेके तो वहां से हटा दिया जाता है, और ठीक आपके जेडीयू कार्यालय के ठीक अपोजिट आपका कार्यालय है, वहां पे अभ्यर्थी आते हैं और उनको जिस तरीके से सम्मान दिया जाता है, क्या ये कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि जो अभ्यर्थी भी ये मान चुके हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकते? देखिए, सत्ता में जो बैठे लोग हैं निर्मम है, एंटी ह्यूमन है, प्रो भ्रष्टाचार के पोषक हैं, भ्रष्टाचार के विश्व पितामह हैं, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी के मुख्यमंत्री हैं, इनको आवाम की चिंता नहीं है। हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है, युवा आज भटकाव का रास्ता अख्तियार कर रहा है। अपराध क्यों पड़ रहे हैं? बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, हर तरह की चीज़ें जिस तरह से राज्य के अंदर में सुरसा की तरह मुँह फैलाया जा रहा है, क्या अपेक्षा करते हैं? तो बिहार नीतीश कुमार जी के हाथों में महफूज, बिहार तो महफूज नहीं है ना, ये तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हर एक को भाजपा अपने मुख्यमंत्रियों को हटा करके बदल रहा है, इनको भी लग रहा है कहीं मेरा हमको ही बदली ना हो जाए, इस भय से भयभीत हैं। इनके फर्जी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो अफसरशाही पर सवाल खड़ा करते हैं, इनके ही लोग कोऑर्डिनेशन की मांग करते हैं, और नीतीश कुमार जी राजनीतिक डंडे के प्रहार से, भाजपा के भय से कहते हैं कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। इतने बदले हुए स्वर उनके असहाय होने का प्रतीक है, और नीतीश कुमार जी अभंता के नाम पर कहीं न कहीं आज एक भद्दी, मैं कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि कैसे मिसाल के रूप में है कि घृणा लोग करता है, उनके चेहरे से लोग अब नफरत करने लगा है, आवाम उनके चेहरे को देखना पसंद नहीं कर रही है, पता है कि जबरन मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति है, राज्य पर थोपा गया है जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, मशीनरियों की टेक्नोलॉजी से, संस्थाओं की टेक्नोलॉजी से ये थोपा गया व्यक्ति है, ये व्यक्ति जनता का चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, इसलिए यह व्यक्ति अपेक्षाओं पर खरा उतर भी नहीं सकता। यही कारण है कि जितने भी अभियंता ही नहीं, आज तो अभियंता दिवस पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जो हुई है, किसी को गले से नीचे उतर रहा है क्या? वो एक अभियंता मुख्यमंत्री इस तरह की मानसिकता से लेवरेज हो और अभियंताओं पर डंडा प्रहार करने का निर्देश देता हो, एक अन्य मार्ग में चैन की बंसी बजाता हो, धुनी रमाता हो और अभियंता सड़कों पर पीटे जाते हो। इसलिए मैंने कहा कि जो भी मांग इन लोगों की है वो जरा हम बताए कि नजायज क्या है। कोई परीक्षार्थी परीक्षा फल का प्रकाशन की मांग कर सकता है जब लंबे समय होते हैं तो? दो दो साल हो गए, कैसी संस्था? चुन चुन के लोगों को आपने वहां पदस्थापित किया, वैसे लोगों को जो आपके लोगों को बहाल करे, मैं बोलूंगा तो साथ में आसमां पे लोग चले जाएंगे। विधानसभा और विधान परिषदों में फोर्थ ग्रेड की जो नियुक्तियां हुई, लंबे मोटे मोटे रकम लिए गए, चहेते लोगों को वहां पर नियुक्तियां पत्र दिया गया, चहेते लोगों को वहां पर बुलाया गया, ये सारे भ्रष्टाचार के
में डूबा हुआ सारा आपका संस्था है जो भर कहीं ना कहीं नियुक्ति और परीक्षा लेता है। सवाल तो वही फिर से होता है ना कि आखिरकार इन अभ्यर्थियों की आवाज बनेगा क्यों, क्योंकि लगातार ये सड़क पे प्रदर्शन कर, और ये सिर्फ जूनियर इंजीनियर की बात नहीं है। प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के चुनाव में स्पष्ट तौर पर बिहार की जनता को संदेश दिया और उस मुद्दे पे चुनाव लड़े भी कि बिहार बेरोजगारी का केंद्र है देश के अंदर। हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे जनता का आशीर्वाद से, तो पहली कलम पहली कैबिनेट 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उसका खाका ब्लूप्रिंट भी पेश किया बिहार की जनता के सामने। नीतीश कुमार जी ने कहा जगह नहीं है, कहां से करने का, हो ही नहीं सकता, संभव है। भाजपा ने कहा 19 लाख। तो बिहार की जनता ये समझ रही है, अभ्यर्थी आए हैं राजद कार्यालय में मिलने के लिए, उनको आशा के अंतिम किरण तेजस्वी प्रसाद यादव जी समझ में आते हैं। वो जानते हैं कि हमारी बात युवा है, वो समझते हैं बेरोजगारी का दर्द, वो समझते हैं गरीबी का दर्द, वो समझते हैं फटेहाल जिंदगी क्या होती है, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, इस दर्द से वो सब जानते हैं, महसूस करते हैं। और यही कारण है कि लोगों के को लगता है कि अंतिम आशा अगर कोई है युवाओं का, वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। तो ये थे शक्ति यादव, जिन्होंने बेबाकी से आज जवाब दिया, क्योंकि जूनियर इंजीनियर सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आज इंजीनियर डे भी है। ऐसे में जब इंजीनियर सड़क पे प्रदर्शन करेंगे, उनकी आवाज कौन बनेगा, तो आवाज एक ही आवाज निकलता है। क्योंकि अगर सरकार की बात कर लूं, तो सरकार के पास जब अभ्यर्थी जाते हैं तो उनको जबरन हटा दिया जाता है, उनकी मांगों को पूरी नहीं की जाती है, उन पर लाठियां भी बरसाई जाती है। लेकिन ये युवा अगर जाते हैं तो सीधे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास जाते हैं, क्योंकि इनकी आखिरी किरण, आशा की किरण अगर कोई है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।